हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजियो पॉइंट पे। मैं हूं डॉक्टर सुनील टांग, कंसल्टेंट स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बो लेग डिफॉर्मिटी के बारे में। दोस्तों, बो लेग डिफॉर्मिटी, जब भी किसी कंडीशन के साथ में डिफॉर्मिटी वर्ड ऐड होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस जॉइंट की जो नॉर्मल शेप है वो अबनॉर्मलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, तभी उसके साथ हम डिफॉर्मिटी वर्ड ऐड करते हैं। तो बो लेग डिफॉर्मिटी के अंदर हमारे दोनों घुटनों की जो शेप होती है, यानी कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे घुटने जो सीधे होते हैं वो शेप से धीरे धीरे अबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है, यानी दोनों घुटनों के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारे पैर एक धनुष के आकार में, यानी कि बो की शेप के अंदर होना शुरू हो जाते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग बो लेग डिफॉर्मिटी कहते हैं। बेसिकली बो लेग डिफॉर्मिटी हर एज ग्रुप में देखी गई है। जब बच्चा 2 साल की उम्र से नीचे का होता है तो जब भी वो वॉक करता है तो उसे चलने में भी आपको ये चीज़ नज़र आती होगी कि उसके पैर दोनों मुड़े हुए होते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये धीरे धीरे जैसे मसल स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है ये शेप ऑटोमेटिकली सेल्फ करेक्ट हो जाती है। और वहीं अगर कुछ बच्चों में ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर उनमें कहीं ब्रेस सजेस्ट करते हैं या फिर कुछ सर्जिकल करेक्शन करके उनको ठीक कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ जब यंग लोगों में होती है, जब लंबे समय तक यंग लोग सिटिंग वर्क करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, एक्सरसाइज से दूर रहते हैं, तो उनकी इनर थाई मसल्स वीक हो जाती है और आउटर थाई मसल्स टाइट होने लग जाती है। और लंबे समय तक जब वो ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं तो उनके पैर भी बाहर बो लेग डिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे लोगों में जब वो रनिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो उनके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बो लेग डिफॉर्मिटी होने के बहुत से कारण होते हैं। अगर हम यंग लोगों में बात करें तो किसी प्रकार की ट्रॉमा, इन्फेक्शन बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर सीवियर न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी बो लेग डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और वहीं ओल्ड एज के अंदर क्रॉनिक अर्थराइटिस के अंदर भी, जब मिडिल जॉइंट लाइन या मिडिल जो स्पेस होता है नी जॉइंट का, वो धीरे धीरे वहाँ की कार्टिलेज और वहाँ की मेनिस्कस दबना शुरू हो जाती है, घिस घिस के ख़त्म होने लग जाती है, तो भी क्रॉनिक केसेस के अंदर पेशेंट को बो लेग डिफॉर्मिटी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यंग लोगों के अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने के कारण, एक्सरसाइज से दूर रहने के कारण जो बो लेग डिफॉर्मिटी डेवलप होती है उसे आप एक्सरसाइज के थ्रू कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, बो लेग डिफॉर्मिटी के अंदर हमारी अडक्टर्स और इंटरनल रोटेटर्स मसल्स वीक हो जाती है और वहीं क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस और एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स टाइट हो जाती है। तो हम एक्सरसाइज बेसिकली 2 फेज में करेंगे। पहले टाइट मसल्स को रिलीज करेंगे, फिर वीक मसल को स्ट्रेंथन करेंगे। उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी टाइट एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स को रिलीज करने के लिए। तो इसमें आपको सीधा लेटना है और दोनों घुटनों को बिल्कुल मोड़ लेना है और फिर एक घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर, जैसा हमने वीडियो में बता रखा है, उस पोजीशन में लेके आना है और अपने हाथों से जांघ को पकड़कर पीछे की तरफ पुश करना है। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा अपनी लेटरल साइड ऑफ थाई मसल पे। आपको दूसरी पोजीशन में हम दिखाते हैं, इस पैर को ऊपर इस फिगर ऑफ 4 की पोजीशन में रखना है और फिर थाई को अपनी चेस्ट की तरफ पुल करना है। ऐसा आपको दोनों पैरों के लिए 10-10 सेकेंड के होल्ड के साथ में इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। ये हमारी टाइट एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स को रिलीज करने की हेल्पफुल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और 10-10 रिपीटेशन आप दोनों पैरों के लिए कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी ग्लूटियस मसल्स को रिलीज करना। जैसे कि हमने दिखाया था कि हमारी ग्लूटियस मसल्स भी इसमें टाइट होना शुरू हो जाती है, इसके लिए आपको बताई हुई पोजीशन पे आना है और पैर को अगेन फिगर ऑफ 4 की पोजीशन में रखना है और धीरे धीरे नीचे बैठने की कोशिश करनी है। इसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आपको ग्लूटियस मसल पे, आपकी हिप की मसल्स पे फील होगा। जैसा हमने वीडियो में दिखा रखा है, आपको सेम उसी पोजीशन में आना है और स्ट्रेच करना है। ध्यान रखिए, अगर आपको स्ट्रेच बहुत ज़्यादा फील होता है तो आप अपनी पोजीशन में थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं। अब हम अपनी क्वाड्रिसेप्स टाइट मसल्स को रिलीज करेंगे। इसके लिए आपको एक चेयर पे सपोर्ट पे खड़ा होना है और अपने पैर को पीछे की तरफ पुश करना है। इसमें आप अपनी थाई की फ्रंट मसल्स में अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे। आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों के लिए करनी है, 10-10 रिपीटेशन के साथ में, साथ ही 10 सेकेंड होल्ड के साथ में। अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए कोई पेन होता है तो आप उस एक्सरसाइज में जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं उसे आप थोड़ा कम कर सकते हैं।
अब हम अपनी एक्सरसाइज के थ्रू स्ट्रेंथ करेंगे हमारी एडक्टर्स मसल्स को। इसके लिए आपको अपनी पिलो को या फिर अपनी बेडशीट को रोल करके दोनों घुटनों के बीच में लगा लेना है और दोनों घुटनों की ताकत से अंदर की तरफ उस बेडशीट को पुश करना है और फिर अपनी बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड नील में लेके जाना है। ये आपकी एडक्टर्स मसल जो वीक हो जाती है बोलेक डिफॉर्मिटी के अंदर, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं 7-10 रिपीटेशन के साथ में। एक बेहतर एक्सरसाइज है आपके एडक्टर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमारी इनर थाई की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और ये बेहतर एक्सरसाइज है। इसे आप अपनी इस तरह से हमने वीडियो में दिखा रखा है कर सकते हैं। आपको अपने पैर को चेयर के ऊपर रखना है और दूसरे पैर को चेयर के जस्ट नीचे रखना है और जैसा हमने दिखा रखा है पैर को उठाना है, 5-10 सेकंड होल्ड करना है और वापस नीचे लेके जाना है। जिन लोगों में अर्थराइटिस का पेन रहता है उन लोगों में भी इनर थाई की मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं। अगर वो लोग रेगुलर बेसिस पे इस इनर थाई की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उन्हें उनकी पेन और बाकी डिफॉर्मिटी दोनों में काफ़ी अच्छा आराम महसूस होगा। तो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है हमारी वीक इंटरनल रोटेटर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसा कि हमने दिखा रखा है आपको बिल्कुल साइड में लेटना है और अपने पैर को पीछे से रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। उठाने के बाद इसे 5-10 सेकंड होल्ड करना है। अगर आप इस एक्सरसाइज को बड़े इजीली कर पा रहे हैं तो आप उस पैर पे हल्का कोई वेट भी बांध सकते हैं और फिर वेट के साथ भी इसको उठा सकते हैं। इससे और बेहतर स्ट्रेंथ आपको आपके इंटरनल रोटेटर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आपको 5-10 टाइम करना है दिन में 2 बार। हर एक्सरसाइज में 5-10 सेकंड का होल्ड जरूर लें। इससे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी। इन एक्सरसाइज को आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं और आपकी बो लेग पोस्टर डिफॉर्मिटी को आप घर रहकर ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखिए अगर आपको अपनी किसी भी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है तो वहां की मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच आप सभी के लव एंड सपोर्ट के लिए। फाइनली हमने 2500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं और जल्दी हम 10,000 सब्सक्राइबर का एम लेकर चलते हैं कि होपफुली वो भी हम जल्दी क्रॉस कर पाएं। ये सभी मुमकिन है आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहें। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।